नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल माइग्रेशन. अभी तक ने हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में, एज वेल एज एनिमल्स माइग्रेशन भी होते हैं. तो एनिमल्स माइग्रेट किस तरह से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एनिमल्स माइग्रेट विथ चेंज इन सीजन. सीजन जब एनिमल्स जो है माइग्रेट करते हैं कब, जब सीजन जो है ऋतुएं जो है वो चेंज होती है उस समय में. दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर. यहाँ पर वार्मर का मतलब है, वार्मर का मतलब होता है गर्म, गर्म वेदर के साथ. गर्म वेदर माइग्रेट टू फाइंड वार्म वेदर, बेटर फूड सप्लाई और सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग. अब यहाँ पर जो माइग्रेट करता है एनिमल्स जो है वो जैसे कोल्ड स्थान पर है, कोल्ड प्लेसेस पर है, तो वार्म वेदर की ओर माइग्रेट करेगा. बेटर फूड किसके लिए, अच्छे खाने के लिए. बेटर फूड सप्लाई आर सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग. अब वो जो बच्चे अपना जन्म देने वाले हैं उनको एक सुरक्षित जगह पर वो जन्म देना चाहते हैं, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं. एनिमल्स डू नॉट फॉलो अ मैप आर GPS. एनिमल जो है वो किसी प्रकार का मैप या GPS को जो है वो फॉलो नहीं करते हैं. देनो विच डायरेक्शन टू फॉलो. वो नहीं जानते कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं. दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हैव स्पेशल सेंस. उसके साथ साथ उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं एनिमल्स के, वो उन चीज़ों को, उनकी भावनाओं को समझते हुए देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं. सेंस मतलब होता है भावनाएं. कैरिब्यू लिव इन स्नो कवर्ड एरिया. कैरिब्यू जो होते हैं एक तरह का हिरन होता है, सॉरी कैरिब्यू एक जानवर है जो स्नो कवर्ड एरिया में रहते हैं. दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज. तो वो स्नो कवर्ड एरिया से वो कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, वार्मर एरियाज पे माइग्रेट कर रहे हैं. वाइल्ड बीस्ट्स ऑफ अफ्रीका माइग्रेट इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर. जो वाइल्ड बीस्ट हैं, जो हिरन हैं अफ्रीका के हैं, वो माइग्रेट करते हैं किस लिए, सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर. ग्रीन पास्चर मतलब जो हरा चारागाह होता है, पास्चर मतलब होता है चारागाह, तो उस ओर माइग्रेट करते हैं. क्रॉसिंग मैनी क्रोकोडाइल फील्ड रिवर. इस बीच में जब वो जब माइग्रेट करते हैं तो बीच बीच में जो नदियाँ आती है उसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल होते हैं जिसको बहुत खतरों के साथ वो पार करते हैं. दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नॉन एज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. और इस तरह के माइग्रेट्स को हम जानते हैं सेवन वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड के नाम से. अब यहाँ पर देखेंगे पिक्चर्स दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पर माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स जो है, वाइल्ड बीस्ट्स जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से हरे घास की ओर जो है वो बढ़ते हैं, माइग्रेट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन समथिंग टू नो, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. तो इस पूरे चैप्टर्स को आपको समझा, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है, एंड स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है, आंसर डी नंबर्स आंसर ब्रीफलीस जो है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चन इन द शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. सो ऑल ऑफ यू प्रिपेयर योर नोट्स. इफ एनी डाउट एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप नंबर. और किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है पूछ सकते हैं. साथ ही सॉल्व द ग्रिड. अब इस ग्रिड्स को आपको सॉल्व करना है. सर्कल 10 वर्ड्स रिलेटेड विद द चैप्टर, चैप्टर से रिलेटेड जो है 10 वर्ड्स हमें निकालना है. ह्यूमन माइग्रेशन लिस्ट देम डाउन, वन इज डन फॉर यू. एक को आपको समझाया गया है, जैसे इसमें एग्रीकल्चर जो है, वैसे ही आपको 10 वर्ड्स यहाँ पर जो है पूरे निकालने हैं. दिस इज़ योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. उसके बाद फिर देखेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैप स्किल्स हैं. तो मैप स्किल्स हम आपको बाद में कराएंगे. तो ये सारा जो क्वेश्चंस हैं आपको करना है. अब फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन शेल्टर्स के बारे में. लेकिन पहले ये सारा काम आपको पहले कंप्लीट करके रखना है. ओके नाउ.